हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ 7 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज इस सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग जो है ना डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन पर आपको इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज का, इसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब ये होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज का ये ऑप्शन आपका यानी कि पेज आपका ओपन हो जाएगा ना, इस पेज में आपको जो है ना ये नीचे की साइड आपको तीसरा ऑप्शन टिक मार्क लगाना है, डू नॉट डिस्प्ले। डू नॉट डिस्प्ले के सामने जो सर्कल है इस पे आपका टिक मार्क लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से टिक मार्क लग जाएगा ना, तो आपकी ये होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज सेटिंग आपकी डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये सेटिंग जो है ना डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करेगी ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है कि अगर आपके मोबाइल फोन पे पहले कोई भी नोटिफिकेशन आता था ना, तो आपका जिस ऐप का नोटिफिकेशन आता था आपके ऐप के अंदर, तो उस ऐप के ऊपर एक रेड कलर का एक डॉट दिखाई देता था पहले, लेकिन अब वो डॉट दिखाई नहीं देगा। कोई भी नोटिफिकेशन आपके ऐप के अंदर आएगा तो, ठीक है, वो डॉट दिखाई नहीं देगा। ये सेटिंग जो है ना होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज ये सेटिंग डिसेबल करने के बाद ये सेटिंग इस तरीके से काम करेगी आपके मोबाइल फोन में, ठीक है। अब मैं आपको जो है ना इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने मोबाइल फोन में ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ही आपको सर्च आइकन सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है यहां पर आपको पूरा टाइप कर देना है इस तरीके से, तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा होम स्क्रीन ऐप आइकन बैज, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग में आपको लेकर आ जाता है और इस सेटिंग को हाईलाइट करता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।